मॉर्निंग क्लास टूडे वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद ग्रुप थर्टीन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू नो इट वेरी वेल वॉट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स किसी भी एटम को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ खींचने की कितनी उसमें पावर है दैट इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड यू नो दैट एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो आपकी टेंडेंसी है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज मेटलिक करेक्टर भी बढ़ेगा और मेटल्स की प्रॉपर्टी बेसिकली होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन्स फॉर्म करने की सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिली बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेज मार्जिनली रीजन है उसका रीजन क्या है एल्युमिनियम से छोटा साइज है गैलियम का तो सिर्फ वहां उस वाले पॉइंट पर थोड़ी सी बढ़ेगी और उसके बाद फिर डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक साइजेज ऑफ द एलिमेंट्स बिल्कुल बोरोन का साइज एल्युमिनियम से छोटा है एल्युमिनियम का साइज बोरोन से बड़ा है दिस इज बिकॉज के बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू एल्युमिनियम लेकिन जैसे ही आप गैलियम पर पहुंचेंगे गैलियम एल्युमिनियम से नेक्स्ट एलिमेंट है उसमें साइज छोटा होने की वजह से उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी uh, है वो बढ़ जाएगी और इसीलिए ये डिस्क्रिपेंसी शो होती है पहले डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड इन ग्रुप थर्टीन फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज यू नो बोरोन नॉन मेटेलिक है नेचर में इट इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड इट एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लेटेस्ट बोरोन हैज अनयूजली हाई मेल्टिंग पॉइंट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल्स पहले भी हम देख चुके हैं ग्रुप वन में भी और ग्रुप टू में भी इस elements में, जो पहला एलिमेंट हैज मोर नॉन मेटेलिक करेक्टर ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनथिल भी उसकी ज्यादा है दीज आर द रीजन वो नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा रखते हैं और बेसिकली दे आर हार्ड और यही रीजन बोरोन का भी है एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में नाउ इट इज वर्थ वाइल टू नोट दैट गैलियम विद Unusually low melting point could exist in liquid form. During summers, its high boiling point makes it is a useful material for measuring high temperatures. Density of elements decreases down the group. बिल्कुल, density तो बोरों से थेलियम की तरफ बढ़ेगी, because molecular size बढ़ेगा, आपका mass बढ़ेगा, density का formula होता है mass upon volume, volume भी बढ़ेगा, लेकिन साथ में mass भी बढ़ेगा, and that is why density goes on increasing. इसी के साथ साथ हम एक टेबल के फॉर्म में इन कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर भी करेंगे अगर हम यहां पर बात करें ये देखिए सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी कंपेयर करके एक टेबल में डाल दी गई है टेबुलर फॉर्म में कंपैरिज़न किया गया है और इसके बेसिस पर भी हम बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं एटॉमिक नंबर आपको पता है फाइव थर्टीन थर्टी वन फोर्टी नाइन एंड एटी वन है इन एलिमेंट्स का बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम रिस्पेक्टिवली एटॉमिक मास नेचुरल सी बात है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक मास भी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ एटॉमिक रेडियस भी डिस्कस कर चुकी हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख सकते हैं पहले एलिमेंट की 2.0 है देन 1.5 देन 1.6 देन 1.7 देन 1.8 थोड़ी थोड़ी बढ़ी है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस खास नहीं है वो थोड़ा सा साइज का ही डिफरेंस है इसलिए सबकी मार्जिनल है सबकी ऑलमोस्ट सेम हम कंपेयर कर सकते हैं अगर हमें कंपेरिजन करना पड़े तो हम इनको ऑलमोस्ट सेम ही कंसिडर करेंगे इसी के साथ साथ हम अगले पॉइंट पर चलते हैं डेंसिटी तो नेचुरल सी बात है इंक्रीज ही होगी क्योंकि मास गोज ऑन इंक्रीजिंग मास लगातार बढ़ता चला जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं डिस्कस करती हूं आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है बेसिकली आप जो एलिमेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए बेसिकली अगर हम इस ग्रुप को देखें तो इस ग्रुप में हम एक चीज इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं उनके आउटर मोस्ट में तीन इलेक्ट्रॉन है अब तीन इलेक्ट्रॉन्स से अगर हम आगे बढ़ें तो हमें फाइव इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए और फाइव इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से लेना और फिर अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीट करना इट्स नॉट एन इजी जॉब रीजन इज दैट बिकॉज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉल जो आपका एलिमेंट ग्रुप थर्टीन का है अगर वो पांच इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले भी लेगा तो उसका खुद का न्यूक्लियस छोटा है पांच इलेक्ट्रॉन्स की वो जो रिपल्शन uh, है उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा एंड दैट इज वाई इस ग्रुप के जो कंपाउंड्स बनेंगे दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में लेकिन जैसे हम बीसीएल थ्री को देखते हैं उसका स्ट्रक्चर प्लेनर है हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ाया था और ये भी बताया था कि ये जो कंपाउंड है एसिड की तरह बिहेव करता है और साथ ही साथ इसका आउटर मोस्ट कंप्लीट नहीं होता यह बिल्कुल अच्छे से आप समझ सकते हैं बोरोन खुद के पास तीन इलेक्ट्रॉन है और तीन क्लोरीन से आ गए हैं छह इलेक्ट्रॉन हुए हैं लेकिन एट इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए हैं क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ है लेकिन बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है तो यहां पर नाइट्रोजन इसके साथ एक कंबाइंड फॉर्म में एक कंपाउंड बना लेता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास अपना एक लोन पेयर है वो लोन पेयर अगर उसने बोरोन को दे दिया तो बोरोन का आउटर मोस्ट भी कंप्लीट हो जाता है तो दिस इज दिस विल है बेसिकली जब ये कंपाउंड फॉर्म होता है ऐसे ही अल्यूमिनियम ए एल सी एल थ्री इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड लेकिन वो भी डायमेरिक फॉर्म में बेसिकली एग्जिस्ट करता है और डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से अल्यूमिनियम का भी जो आउटर मोस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली इस वाले ग्रुप की प्लस थ्री है सो so, जैसे जैसे लेकिन हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कम हो जाती है क्योंकि इनर्ट पे एयर इफेक्ट बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले करने लग जाता है अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में दैट इज रियक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड मैं पहले भी आपको कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ वेन एवर वी डील अबाउट द रियक्टिविटीज एयर के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के कंपाउंड्स क्या बनेंगे वो बताने पड़ेंगे ठीक है सी आप देख सकते हैं कि जब इस ग्रुप के एलिमेंट्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बनाए ऑक्सीजन के तीन एटम्स और खुद के दो एटम्स क्योंकि उसके पास खुद के पास तीन इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो जो उसके एटम्स हैं मिलकर तीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है नाइट्रोजन के साथ वो सीधा सीधा ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं एंड उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा यहाँ और वो नाइट्राइट बनाते हैं नेचर अगर हम बात करें तो बोरोन के जो कंपाउंड्स होंगे वो बेसिकली ज्यादा कोवेलेंट नेचर के होंगे लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं बोरोन के जो कि मेटेलिक नेचर शो करते हैं और एल्युमिनियम और गैलियम के जो कंपाउंड्स हैं वो बेसिकली एम्फोटेरिक होता है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बेसिक होती है और बोरोन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कोवेलेंट नेचर की मतलब नॉन मेटेलिक वो बिहेव करता है नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स एंड एल्किज एसिड्स एंड एल्किज की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सीधा सीधा सा है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करें या बेसिस के साथ रिएक्ट करें हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होनी ही होनी है इट विल डेफिनेटली कम आउट ये जो हमारी रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर शो करता है तो हम बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं दोनों के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं बेसिस के साथ भी और एसिड्स के साथ भी और जो भी कंपाउंड हमारा बनेगा वो हम लिखेंगे ये क्वेश्चन कितनी बार पेपर में आता है कि आप को अगर किसी भी कंपाउंड की किसी भी सब्सटेंस की एम्फोटेरिक नेचर शो करने के लिए कहा जाए तो आपको सिंपली उसमें रिएक्शन देनी होती हैं एसिड्स और बेसिस के साथ क्या रिएक्शन आती हैं दैट्स द पॉइंट वो मैटर करता है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन टूवर्ड्स हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ट्राई हेलाइट बनेंगे सीधी सी बात है क्योंकि दे हैव थ्री इलेक्ट्रॉन्स और तीन इनके साथ हेलाइट हेलोजन के जो आइटम वो तीन जुड़ जाएंगे एंड ट्राई हेलाइट आर बेसिकली फॉर्म्ड अगर हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड की बात करें एनामोलस प्रॉपर्टीज की बोरोन की बात करें तो वही प्रॉपर्टीज दोबारा से रिपीट आएंगी जो कि अभी हम ग्रुप वन और ग्रुप टू में पढ़कर आए हैं जो कि लिथियम और बेरिलियम के बारे में हम पढ़कर आए हैं तो वही पॉइंट्स हैं जो हमें बेसिकली डिस्कस करने हैं कि बोरोन का साइज छोटा है इसलिए बोरोन का आयनाइजेशन एनथेल ज्यादा है बोरोन का चार्ज टू रेडियस रेशियो ज्यादा है तो वही सारे पॉइंट्स हम दोबारा डिस्कस करेंगे एनमोलस बिहेवियर के लिए लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि वो एल्यूमिनियम की तरह शो करता है वो आपको पॉइंट्स जो है यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा जो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस दिस टाइम इस साल के लिए ये वाला जो पार्ट है हमने इंक्लूड नहीं किया है सीबीएसई ने एक्चुअली आपके सिलेबस से ये पार्ट डिलीट किया है ड्यू टू कोविड नाइनटीन बाकी जो पार्ट है जो हमें पढ़ाना है वो ग्रुप थर्टीन का बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर चुकी हूं और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पहले भी डिस्कस हो चुकी है अब ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन तो इसमें मैंने आपको रीजन बता दिए कि वाई बोरोन इज शोइंग एनमोल बिहेवियर अदर फ्रॉम अदर एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप जो कि सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं ग्रुप थर्टीन जिसको हम कहते हैं बोरोन फैमिली भी इसका नाम है हम बोरोन फैमिली भी कहते हैं सो दिस इज अबाउट ग्रुप थर्टीन

पुलिस और आर्मी और इन लोगों के पास होती हैं लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी यूज़ होता है बोरोन का जो आइसोटॉप है टेन बोरोन के दो आइसोटॉप है एक बोरोन टेन है और एक बोरोन इलेवन है तो बोरोन का जो टेन आइसोटॉप हैज हाई एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स तो इसको हम मेटल बोराइड्स यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर हम उसको न्यू कंपाउंड्स बना सकते हैं द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स बोरेक्स की फॉर्म से हम बोरोन को निकालते हैं बोरिक एसिड भी मिलता है हमें और बनाते भी हैं इवन हम बोरिक एसिड और इससे पहले भी मैं आप बोर को बोरिक एसिड का यूज बता चुकी हूँ एक कि इट इज यूज इन मेडिकल इंडस्ट्री मेडिकल इंडस्ट्री में हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट टिप जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी आप कहीं भी अगर घर से बाहर जाते हैं आप दो दिन के लिए चार दिन के लिए जा रहे हैं तो आप अपने जो फ्रिज है या इन चीज़ों को बंद नहीं करके जाते हैं आप नॉर्मली इनको ऑन करके चले जाते हैं लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए बाहर जाना है तो आप अपने फ्रिज में फंगल इन्फेक्शन ना लगे आप बोरिक एसिड को रख कर जा सकते हैं एक बोल में आपका जो फ्रिज है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा उसमें कोई फंगस नहीं लगेगी दिस इज अ अम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो जो लोगों को नहीं पता होता लोगों को इतना ही पता है कि एक लेमन काट के रख दो कई बार लेमन में भी फंगस लग जाती है बट बोरिक एसिड में कभी भी ऐसा नहीं होगा These two compounds uh, are used in the manufacture of heat resistant glasses. Pyrex बनता है glass wool and fiber glass आपका जो AC hai है आपका जो uh, ये है गीजर है इनमें फाइबर अंदर बढ़ा होता है वो यही होता है इसको आप ग्लास वुल कहा जाता है बेसिकली इसको और आप इसको हाथ से टच भी नहीं कर सकते जला देता है आपको बोरेक्स इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लस्क फॉर सोल्डरिंग मेटल्स फॉर हीट स्क्रैच एंड स्ट्रेन रेजिस्टेंट ग्लेज कोटिंग ऑफ अर्थनवेयर एंड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेडिशनल सोप्स मेडिशनल सोप्स में भी हम इसका यूज करते हैं और जो हमारे स्वेट की स्मेल होती है उसको रिमूव करने में हमारी बॉडी से भी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने में यह हेल्प करता है एंड एक्वा सोल्यूशन इसका अगर हम एक एक्वा सोल्यूशन देखें ऑर्थोबोरिक एसिड इज जनरली यूज एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक जिसका मैं रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ना एल्यूमिनियम एल्युमिनियम इज अ ब्राइट सिल्वरी व्हाइट मेटल विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से हम बेसिकली इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए वायर्स बनाते हैं और अटेंसिल्स uh, बहुत सारे बनाते हैं इट हैज अलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑन अ वेट टू वेट बेसिस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज ट्वाइज दैट ऑफ कॉपर और इसी वजह से कॉपर के वायर्स नहीं बनाए जाते क्योंकि कॉपर कॉस्टली भी है एल्यूमिनियम उसके कंपैरिजन में इतना कॉस्टली भी नहीं है एल्यूमिनियम इज यूज एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ इट फॉर्म्स एलॉयज विद कॉपर मैगनीज मैग्नीशियम सिलीकॉन एंड जिंक एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉयज कैन बी गिव इन शेप्स टू ऑफ पाइप्स ट्यूब्स हमारे वाटर सप्लाई के पाइप्स होते हैं एल्यूमिनियम के रॉड्स जो हमारी आजकल तो हम स्टील रॉड्स लगवाते हैं कर्टेन के लिए लेकिन एल्यूमिनियम रॉड्स पहले यूज होती थी नॉर्मली एल्यूमिनियम रॉड्स ही मिलती थी ये स्टील की रॉड्स नहीं होती थी ये अभी दस पांच से साल से फैशन में आई है स्टील का रॉड वायर्स प्लेट्स और फॉल्स एंड दे फोर फाइंड यूजेज इन पैकिंग मेकिंग कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है एरोप्लेन एंड ट्रांसपोर्टेशन में एरोप्लेन में इसलिए यूज होता है क्योंकि लाइट मेटल है और इसकी हेल्प से हम मैग्नीशियम के साथ मैग्नीलियम और ड्यूरालियम जो एलॉय बनाते हैं दे आर वेरी लाइट इन वेट और हम इनका यूज करते हैं द यूज ऑफ एल्युमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक परपज इज नाउ रिड्यूज कंसिडरेबली बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक नेचर टॉक्सिक नेचर का मतलब है हम ज्यादातर बर्तन अगर हम यूज़ करते हैं हमें स्टील के बर्तन यूज करने चाहिए एल्युमिनियम नहीं होना चाहिए घर में क्योंकि जब हम एल्युमिनियम के बर्तन में कुछ भी खट्टा या कुछ भी ऐसा बना लेते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सा उसकी लेयर हमारी बॉडी में जाती रहती है और उस वजह से भी हमें बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है तो दिस इज फॉर टुडे थैंक यू एंड हैव अ गुड डे